please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस को दफ्तर में टूटा फर्नीचर दिखाते नजर आए। आरोप है कि यहां बिजली चोरी में पकड़े गए कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष हरीश साक्य और उनके समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और बिजली विभाग के दफ्तर में रखा सारा फर्नीचर तोड़ दिया। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने बीजेपी नेता पर धमकाने और मारपीट का भी आरोप लगाया। जी बीच बाजार में आए थे पवन कुमार जी और उनको भी जो है कुर्सी मारी और उनके उंगली में चोट आई है। हालांकि बीजेपी नेता हरीश साक्य ने बिजली विभाग के आरोपों को झूठा बताया। हम चले आए तो उन्होंने अपने आप कुर्सी तोड़ ली और एक उन्होंने पूरी घटना गलत तरीके से उसे प्रदर्शित कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी नेता से जुड़ा मामला होने की वजह से पहले शिकायत टालने की कोशिश की लेकिन बिजली विभाग की ओर से पूरे जिले की बिजली सप्लाई बंद किए जाने के बाद कहने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में डीएम और एसपी गलियों में गश्त करते दिखाई दिए। प्रशासन ने यहां बीते 24 घंटे में कोई अप्रिय घटना नहीं होने का दावा किया और हालात में तेजी से सुधार होने की दलील दी जिसके लिए शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। डीएम आरपी सिंह और एसपी पीयूष श्रीवास्तव खुद भी शहर की गलियों में गश्त करते नजर आए। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में निगरानी के लिए करीब 120 अधिकारियों को तैनात किया गया। सर बिल्कुल ठीक है, कल से कोई एक्सीडेंट कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। कासगंज हिंसा को लेकर अब तक 7 केस दर्ज किए गए जिसमें 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 33 लोगों के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। हमारी फोर्स काफी यहाँ लगी हुई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कासगंज में शांति बहाल करने के लिए पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित करवाने का दावा किया। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान मरने वाले युवक चंदन का आखिरी वीडियो सामने आया। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में चंदन एक बाइक चलाता दिख रहा है। तिरंगा यात्रा में सबसे आगे की कतार में मोटरसाइकिल थी, उन्हीं में एक चंदन चला रहा था। चंदन ने चेहरे पर भी तिरंगा छापा हुआ था। सफेद रंग की टोपी और काला मफलर बांधे चंदन इस वीडियो में सबसे आगे चलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो चंदन का आखिरी वीडियो साबित हुआ क्योंकि इस यात्रा के दौरान गोली लगने से चंदन की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कासगंज हिंसा के खिलाफ कैंडल मार्च में हंगामा हुआ। मार्च निकाल रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन लोगों की पिटाई भी की और घसीट कर थाने ले गए। पीड़ित का आरोप है कि वो लोग कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने उनसे जबरदस्ती की। पुलिस वालों ने आके हमारे चाटे वाटे मारे और हम सभी को मतलब हमारे भैया को गलेबान पकड़ के खींचते हुए ले गए अभी सब जो पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में कासगंज हिंसा के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि दी गई। शहर के तहसील तिराहे से निकले कैंडल मार्च में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यूपी के आगरा में विश्व हिंदू महासंगठन महासंघ नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता कासगंज हिंसा के विरोध में नारे लगाने लगे। कासगंज में हुई हिंसा को लेकर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि इस सियासत में आग में घी डालने का काम किया विश्व हिंदू महासंघ नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने कासगंज हिंसा में मारे गए लड़के चंदन गुप्ता को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और इस संबंध में एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। 50 लाख रुपए उनको तत्काल जो है सहायता राशि दी जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। यूपी सरकार पहले ही हिंसा में मारे गए चंदन के घर वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा दे चुकी है, फिर भी योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। पूरा सरकार द्वारा प्रायोजित था, सरकार के संरक्षण में हुआ। कम से कम और कुछ नहीं तो महामहिम राम नायक जी की सीख से ही योगी आदित्यनाथ जी कुछ सीख ले लें। कासगंज में हालात सामान्य करने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है लेकिन सोमवार रात एक बार फिर से कासगंज में हुई आगजनी की घटना ने विपक्ष को सूबे की योगी सरकार पर हमले का एक और मौका दे दिया। बीएसपी ने कासगंज हिंसा की तुलना गुजरात के गोधरा कांड से की और सीएम योगी पर राजधर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी नागरिकों की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। विपक्ष के इन हमलों का जवाब देने में बीजेपी नेताओं ने भी देर नहीं लगाई और सूबे की योगी सरकार का आक्रामक अंदाज में बचाव किया। इस पर पूरी जांच हुई और लोगों को पकड़े, आदित्यनाथ ने कई कदम उठाए। हमारी प्रदेश की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है।
ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी को यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और एक लड़के की मौत हो गई थी। इसके बाद वहां हालात और ज्यादा बिगड़े, हालांकि जल्द ही प्रशासन ने हिंसा के लिए जिम्मेदार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कासगंज में हुई हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और इशारों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। चाहे कोई किसी जाति का हो अथवा किसी शर्त का हो अथवा किसी मजहब अथवा किसी धर्म को मानने वाला क्यों नहीं हो, भारत में सभी सुरक्षित हैं और सभी सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई और ईडी के पूछताछ के लिए मिले समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कार्ति चिदंबरम की याचिका पर दोनों जांच एजेंसियों ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद नाराज अशोक सिन्हा ने आरजेडी पार्टी छोड़ दी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए साफ किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो शराबबंदी लागू रहेगी, लेकिन कड़े प्रावधान हटा लिए जाएंगे। गुजरात की एक अदालत ने बीजेपी नेता पर हमला करने के आरोपी विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया समेत 31 लोगों की केस रद्द करने वाली याचिका स्वीकार कर ली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिना इंटरनेट से चलने वाला एक ऐप लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल मुश्किल वक्त में किया जा सकेगा। बिहार के सिवान में कोर्ट के पास साइकिल चोरी के आरोप में लोगों पर एक आदमी की पिटाई का इल्जाम लगा। बिहार के भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सांसद पप्पू यादव के जनता दरबार में मरीजों ने अस्पताल से जुड़ी सैकड़ों शिकायत की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस ने 3 लाख की एक इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया।